नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ शहनीला दानी नजी। राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर यानी आज से 30 अक्टूबर तक आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। वहीं इसको लेकर रायपुर दक्षिण विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसे इवेंट में सरकार सिर्फ कंपनी के लोगों को खुश करने का काम कर रही है। आदिवासी महोत्सव मनाना है तो ग्रामीण क्षेत्र में मनाएं और आदिवासी वनवासी लोगों का उद्धार करें। रायपुर दक्षिण विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 10 से ज्यादा मामले आ चुके हैं जिसमें कांग्रेस के लोगों ने अधिकारी कर्मचारी जनता के साथ में मारपीट की है। यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि सब सत्ता पार्टी के लोग हैं। सत्ता पार्टी के लोगों में तो और ज्यादा उदारता होनी चाहिए, परंतु उनके द्वारा जिस तरह सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, आज इस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं, वह निंदनीय है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है। मुझे लगता है कि सत्ता के मद में पूरी पार्टी और सरकार मदहोश हो गई है और मदहोश होकर लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि आप मदहोश हो परंतु अपने आप में रहें। उन्होंने कहा कि बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्र जहां आदिवासी वनवासी समाज बड़ी मात्रा में रहता है, वहां आदिवासी महोत्सव मनाना चाहिए, उनके जीवन में खुशहाली आना चाहिए। सिर्फ पब्लिसिटी के लिए 10-20 करोड़ों का खर्च करना ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा कि रायपुर में कितने आदिवासी वनवासी आएंगे। अगर आदिवासी महोत्सव करवाना ही है तो अंतागढ़, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा में करवाएं। रायपुर में आदिवासी महोत्सव सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। उसको पूरा करने के लिए और कुछ इवेंट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए करवाया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। देखिए, आदिवासी महोत्सव मनाए, आदिवासी जो है वो बिंदास है, वो मौज मस्ती में रहते हैं, वो तीज त्यौहार मनाते हैं, परंतु हमको बस्तर में, हमको सरगुजा में, हमको नगरी में, हमको सिहावा में, हमको ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वनवासी आदिवासी समाज बड़ी मात्रा में रहता है, उनके जीवन में खुशहाली आना चाहिए। खाली पब्लिसिटी के लिए 10-10, 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर जरा बताएं मुझे कि रायपुर में कितने वनवासी आदिवासी आएंगे। अगर आदिवासी महोत्सव कराना है तो अंतागढ़ में करवाएं, दंतेवाड़ा में करवाएं, बीजापुर में करवाएं, सुकमा में करवाएं, मद्देड़ में करवाएं। रायपुर में आदिवासी महोत्सव सिर्फ कुछ लोगों को ये सगल है उसको पूरा करने के लिए और कुछ लोगों को इवेंट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए करवाया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो वनवासी आदिवासियों की आबादी है वो 70 लाख से 80 लाख तक है, और उसके बजाय यहाँ पर 2-4-5 हज़ार शहर के सभ्य लोगों को बुलाकर और उनको नाच गाना दिखाना, ये आदिवासी महोत्सव नहीं होता। जिस दिन हमारे वनवासी, हमारे आदिवासी मादर की थाप पर अपने कर्मा ददरिया नृत्य अपने क्षेत्रों में खुशहाली के साथ में करेंगे, उस दिन आदिवासी महोत्सव मनाने का महत्व है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए आप आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।